अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हेलो, जय हिंद मैडम जी। जय हिंद। आपने हमें फोन किया, क्या बात हो गई? हाँ, वो आज जो चित्ता बच्ची वहाँ शिफ्ट हुई है उसी के बारे में बात करने के लिए कॉल किया था। उसकी सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए, उसकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए सोचा आपको पर्सनली बता दूं और सतर्क रहने के लिए कह दूं। पर मैडम जी, वो तो अभी तक यहाँ आई ही नहीं। नहीं आई? मतलब? मतलब मैडम जी, दरअसल वो थाने से निकल गए थे पर अभी तक यहाँ पहुंचे नहीं। पहुंचे नहीं? पहुंचे नहीं तो आपने ड्राइवर या गार्डिंग कांस्टेबल्स को कॉल किया? किए थे मैडम जी, पर वो कॉल उठाए नहीं। तो आपने पुलिस कंट्रोल रूम में खबर की? जी, किया मैडम जी। अच्छा, अभी तक नहीं पहुंची तो गई कहां? पता नहीं क्या हुआ होगा जगू के साथ। भाग गई? अरे कैसे भाग गई वो छोटी सी बच्ची पुलिस कस्टडी से? अरे वो क्या वो इंस्पेक्टर सिंह, क्या जवाब दूंगा मैं कालीकांत ठाकुर को? और तो और, गीता भी अब इस केस में इन्वॉल्व है। बिठा देगी एक जांच कमेटी, फिर देते रहना जवाब। अरे क्या हुआ, मुंह में दही जम गई है का? बिच्छे भर की छोकरी भोगी, कैसे भाग गई? सर सर, वो हम पकड़ लेते सर, लेकिन लेकिन अचानक बीच में एक तो साधु आ गया और वो चिता छोकरी जंगल में कहीं गुम हो गई। ये क्या मजाक है? ऐसे कैसे जंगल में गुम हो गई और पुलिस कस्टडी से गुम हो गई, और आप लोग यहाँ उसे ढूंढने की बजाय मीटिंग कर रहे हैं? आप लोगों को जरा भी अंदाजा है कि वो बच्ची कितने खतरे में है? Excuse me, गीता जी, क्या कहा आपने? अरे वो लड़की जंगल में रहती है, खतरा तो हमारे पूरे पुलिस टीम को हुआ है उसके किए हुए स्टंट से। स्टंट? तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुम क्या कह रहे हो? मैजिस्ट्रेट साहिबा, लगता है आपने पूरी बात ठीक से सुनी नहीं। जंगल आते ही उस लड़की ने हमारे ड्राइवर, हमारे फीमेल कांस्टेबल्स को इतना परेशान किया, इतना तंग किया, इतना इरिटेट किया कि जो हमारी पुलिस वैन है ना, वो पेड़ से जाके टकरा दी। एक्सीडेंट हो गया इन लोगों का और वो लड़की मौका देख के भाग गई। अरे ये लोग तो लकी है जो बच गए। और आप लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? बताइए ना मजिस्ट्रेट साहब को, यही हुआ था? जी मैडम, यही हुआ था। जी मैडम जी, सर सही कह रहे हैं। सुन लिया आपने? जग्गू ऐसा करेगी मुझे तो नहीं लगता। मुझे जल्द से जल्द पता करना होगा कि जग्गू कहाँ है। इंस्पेक्टर सिंह, मैम, इन सभी के स्टेटमेंट्स ऑफिशियल रिकॉर्ड पढ़ लीजिए। अगर उस बच्ची को कुछ भी हुआ ना, तो ये पूरी टीम रिस्पॉन्सिबल होगी जिनकी कस्टडी से वो बच्ची गायब हुई है। जी मैम। सही और गलत सोचने का वक्त नहीं है। जो कहानी मैंने मैजिस्ट्रेट साहिबा के सामने कही है उसे ही चारों ओर फैला दो। मीडिया से कहो कि बार बार लोगों के सामने इसे ही परोसे ताकि सच सिर्फ और सिर्फ यही लगे। इंस्पेक्टर सिंह सर, इस चिंगारी जैसी घटना को हमें बारूद बनाना है। इस खबर को इतना बड़ा बना दो, इतना बड़ा बना दो ताकि लोगों को यही लगे कि गलती सिर्फ और सिर्फ उस चित्ता लड़की से हुई है। पता नहीं वो चित्ता लड़की कैसे वैन से चकमा देकर भाग गई। चंदन, हमें एसपी साहब से जान का खतरा है, तनिक जाके गला दबा के जान ले लो इनका। अरे रुक जा चंदन, तो का कर रहा है? हैं? बिछाड़। अमल बाबू, इसको कहते हैं जुबान का पक्का। हमें इन लोगों ने जुबान दिया है,
एडवोकेट सरकार आपकी एक आवाज पर हम कुछ भी कर देंगे, किसी का भी जान ले लेंगे, का पुलिस अफसर और का चित्ता। देखा नहीं आपने, हमारी एक आवाज पर बेधड़क होके आ गया था आपका टेटुआ दबाने। अरे आप हमारे बिजनेस पार्टनर, पता नहीं काहे बार 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 आप अपनी जुबान से जो है फिसलते रहते हैं। नहीं नहीं ठाकुर साहब, दरअसल बात दरअसल ये है, दरअसल वो है। अरे हम कह रहे हैं अमोल बाबू, आप ये सब रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा। हाँ एक काम है जो आप बेजोड़ कर सकते हैं, वो है अपनी मजिस्ट्रेट बीवी के पल्लों में घुसा ही रहना। क्या कर रहे हो? अरे एसपी साहब है भगचौनार ससुर है, जाइए जाइए अमोल बाबू। अरे हाँ वो तो वक्त भी हो गया होगा आपकी मजिस्ट्रेट बीवी के शाम के चाय नाश्ते का, जाइए खिदमत करिए, गाड़ी निकालो भाई। ठाकुर साहब इस बार वादा करते हैं। अरे रहने दीजिए, क्या वादा कर रहे हैं, बहुत वादा करते हैं। करिएगा तो सिर्फ एक काम करिएगा, देखिएगा हगिएगा मत। बताइए ठाकुर साहब क्या करना है? एनकाउंटर। पुलिस से बच के भागने के जुर्म में उस चित्ता का एनकाउंटर। हो जाएगा ना एसपी साहेब? इंस्पेक्टर सिंह सर, अपनी पूरी टीम लगा दो फास्ट। सर रास्ता दिखाइए राम जी, रास्ता दिखाइए। पता नहीं जग्गू कहाँ चली गई है, इतनी छोटी बच्ची और वो भी अकेले। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ गई है और क्यों गई है। मैं तो उसे न्याय दिलाना चाहती थी, उसका भला ही करना चाहती थी, लेकिन उसके इस तरीके से भाग जाने से उस पर और सवाल खड़े हो गए। मैं जानती हूँ राम जी कि जग्गू ने ये सब गलत इरादों से नहीं किया होगा, जरूर कोई ना कोई वजह रही होगी, नहीं तो वो खुद तैयार हुई थी एफआईआर लिखवाने के लिए। अपने माथे से अपराधी होने का कलंक वो खुद मिटाना चाहती थी। मैंने उसकी ईमानदारी भी देखी है और उसकी बहादुरी भी। बेटा तुम ऐसे गाड़ी के पीछे क्यों भाग रही हो? मम्मा आपको वो कागज गिर गया था। ये कागज नहीं है, ये 500 रुपए है। अगर तुम ये रख लेती तो तुम्हें 5 दिन तक फल नहीं बेचने पड़ते। ये रुपल्ले हमने थोड़ी ना कमाए हैं, इसे हम कैसे रख सकते हैं मम्मा? लेकिन उसके इस तरीके से वैन से भाग जाने की जरूर कोई वजह होगी, लेकिन उसका वापस आना भी जरूरी है राम जी, नहीं तो ये पुलिस वाले उसे फिर से फंसा देंगे। मेरी मदद कीजिए राम जी, मेरी मदद कीजिए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।